हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी एमएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के छात्र हैं तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शन मेथड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चनों को पढ़ के आप जो है अच्छे खासे मार्क्स अपने ला सकते हैं। मॉडल पेपर 2024 और 25 का हमने लेकर आया है। बाकी अदर सब्जेक्ट की बात करें जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सभी के पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंप्यूटर वगैरह सभी के। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी कम क्वेश्चनों को लिया है और जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो है फर्स्ट सेम में भी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। लगभग बात करें तो यहाँ पर जो है 75 से 80% प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फंसे थे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो है सेकेंड सेम के लिए भी हमने लाया है। और एक बात और यहाँ पर मैं बता दूँ, थोड़ा सा वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है। बस पहले एमएससी सेकेंड सेम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शन मेथड का, और यहाँ पर जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर। साथ में जो है हम प्रीवियस पेपर भी देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री में देंगे, साथ में विकल्प भी आपको फ्री में देंगे। मतलब जो है काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अगर आप लेते हैं तो। पुराने पेपर आईएमपी क्वेश्चन और विकल्प वगैरह की सुविधा मिलेगी और नोट्स तो आपको देंगे ही। इस प्रकार जो है चार चार मटेरियल आपको हमारे चैनल के द्वारा दिया जाएगा, चूँकि यहाँ पर यूट्यूब पर कोई नहीं देता, आप जाकर देख लीजिएगा। वैसे सबसे सस्ते नोट्स यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएंगे, साथ में जो है इतना सारा मटेरियल सब कुछ हम देते ही हैं। अगर फर्स्ट सेम के भी अगर आपके दोस्त हैं या भाई बहन हैं तो उन्हें आप बता दीजिएगा, फर्स्ट सेम के भी नोट्स अवेलेबल हैं और उनके साथ भी आईएमपी क्वेश्चन पेपर, फ्री में पेपर और ओल्ड पेपर वगैरह, आईएमपी पेपर, नोट्स, ये सभी चीज़ें हम देते हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है और सब्सक्राइब आपको कर लेना है, एक लाइक भी प्लीज़ आपको कर लेना है, हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और इन क्वेश्चनों को साथों साथ लिख लेना है। ठीक है, यदि आपके पास कोई मटेरियल है या कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं कि भाई इन इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, तो भाई देख लेना आप अपने हिसाब से। बाकी मैं तो कहता हूँ आप लिख लीजिए एक कापी में नोट। यहाँ पर देखते हैं, ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ऑल यूनिट सेलेक्टेड लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब जो है सभी यूनिट, पांचों यूनिट से यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, वो भी बराबर लिए गए हैं। ठीक है, शॉर्ट भी क्वेश्चन लिए गए हैं और लॉन्ग भी, तो कोई टेंशन नहीं है, इन सारे क्वेश्चनों को तैयार आपको कर लेना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। अब यहाँ पर आपका एनी टू दिया है तो आपको ये नहीं कि यहाँ पर एनी टू आपको तैयार करना है, तीनों यहाँ पर तैयार आपको कर लेना है। पहला, प्रीसेशनल मोशन क्या होता है, ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट। दूसरा, यहाँ पर डिसेल्डिंग अंडर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, डिसेल्डिंग आपको समझाना है, वो भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। तीसरा आता है पर्सनल प्रीसेशनल फ्रिक्वेंसी इन एनएमआर स्पेक्ट्रा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट विल यू डिसाइड नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव एट लेट क्या लास्ट टू एग्जांपल। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यहाँ पर समझाना है, वो भी एग्जांपल सहित। तीसरा यहाँ पर प्रश्न है, एक्सप्लेन केमिकल शिफ्ट एंड इट्स मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग इट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। चौथा यहाँ पर प्रश्न की बात आती है, एक्सप्लेन वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ स्पिन सिस्टम इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव एट लेस्ट ऑन एग्जांपल ऑफ इच स्पिन सिस्टम। ठीक है, बाकी इन सभी की वीडियो भी आने वाली है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स वाली, तो वही देख लेना है। इन सभी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है और आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। यदि आप कहीं से नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी से ले लीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेम के रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं तो काफ़ी लेट रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद ही यहाँ पर जो है सेकेंड सेम
सेकेंड सेम का जो है टाइम टेबल वगैरह या एग्ज़ाम फॉर्म भरने लगते हैं, फिर सेकेंड सेम में आपका टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पहले ही कि आप पहले से ही तैयारी चालू कर दीजिएगा, भले ही कहीं से पढ़ें आप। क्वेश्चन 5 की यहाँ पर बात करें, राइट इन शॉर्ट अबाउट क्यूड्रोपोल न्यूक्लियाई एंड क्यूड्रोपोल मोमेंट। छठवां प्रश्न है हमारा, राइट एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रा का प्रिंसिपल हुआ, एप्लीकेशन हुआ, ये पूछ लेता है, तो तैयार कर लेना। क्वेश्चन 7 यहाँ पर आता है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड क्यूड्रोपोल कपलिंग कांस्टेंट। इन दोनों पर तैयार कर लेना है, टिप्पणी वगैरह इस टाइप का भी आ सकता है, क्वेश्चन आप समझ सकते हैं और अलग अलग टाइप से किस प्रकार से आ सकते हैं, इतना तो नॉलेज आपको हो ही गया होगा फर्स्ट सेम से। अब यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन न्यूक्लियाई क्यूड्रोपोल कपलिंग कांस्टेंट थ्रॉट एनर्जी लेवल। अब 9वें नंबर का प्रश्न है, राइट एप्लीकेशन ऑफ एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, 10वें नंबर का जो प्रश्न है, डिस्कस स्प्लिटिंग पैटर्न अंडर एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और दोस्तों एक बात बहुत बुरी लगती है, यहाँ पर जो है सभी के सभी यहाँ पर वीडियो तो देखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइक कोई नहीं करता, तो प्लीज़ लाइक भी आप थोड़ा सा कर दीजिएगा, पैसे वैसे यहाँ पर मैं नहीं मांग रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लाइक वगैरह करते हैं हमारे वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके ही फायदे के लिए यहाँ पर हम वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो भी डालते हैं हम, इम्पोर्टेंट नोट्स वाली और IMP क्वेश्चन पेपर वगैरह जानकारी देते हैं, पर भी आप जो है लाइक वगैरह नहीं करते, बहुत बेकार लगता है, तो वो भी आप कर लीजिएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है, राइट शॉर्ट अबाउट जी वैल्यू इन ESR। ठीक है, 12वें नंबर का प्रश्न है, राइट नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग जी वैल्यू इन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। 13 नंबर का प्रश्न है, राइट नोट ऑन एनी टू। ठीक है, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, मैकोनल रिलेशनशिप। तीसरा यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। चौथा यहाँ पर दिया है ESR थ्योरी। पांचवा यहाँ पर दिया है कर्मर्स डिजेनरेसी। ठीक है, इनमें से आपको जो है एनी दो करने, मतलब आपको कोई तीन दिया रहेगा तो एनी दो आपको करना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, इन सभी पांचों पॉइंट को आपको तैयार कर लेना है। 14 नंबर का प्रश्न है, राइट नोट ऑन फर्स्ट यहाँ पर दिया है ब्रेक्स लॉ। ठीक है, मिलर इंडिकेस। तीसरा यहाँ पर स्ट्रक्चरल फैक्टर एंड इट्स रिलेशन टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 15 नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालाइज ऑफ क्रिस्टल। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, राइट स्पिटरिंग मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। 17 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर राइट अ नोट स्केचिंग इंटेंसिटी VS स्केचिंग एंगल। दूसरा यहाँ पर दिया है वायरले इक्वेशन। 18वें नंबर का प्रश्न है आपका, राइट लेजर क्या एब्लेशन मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। 19 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक इंक्लूडिंग डी ब्रोगली इक्वेशन। 20 नंबर का प्रश्न है, स्केटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय सॉलिड्स। ठीक है, और बाकी यहाँ पर बात करें तो ये था स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, और बाकी यहाँ पर बात करें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, ये सभी के हमारे चैनल पर वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं और बाकी सब जो सब्जेक्ट के अपलोड कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और शुरू में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा था, और कई सारे लोगों का तो यहाँ पर स्टूडेंटों का कॉन्टैक्ट नंबर है ही मेरे पास, और आप लोगों के पास भी होगा जिसने जो है फर्स्ट सेम का
जो है नोट्स मेरे से परचेस किया था उनके पास। तो आप हमें कांटेक्ट करके बहुत ही कम कीमत पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। और सभी दोस्तों को प्लीज़ आप बता भी दीजिएगा कि हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल हैं, साथ पे आपको फ्री में पेपर देते हैं, IMP क्वेश्चन देते हैं और नोट्स तो देते ही हैं, और साथ में बात करें तो वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली, तो देख लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर आपको अगर आप नोट्स लेते हैं तो फ्री में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है आपको। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।